आज की मीटिंग के बारे में मेरे को ये कहना है बहुत अच्छी तरह हुई हमारे लिए और सभी मेडिकल वालों के लिए और सब प्रोडक्ट्स वालों के लिए, और इस मीटिंग से हमें भी एक नई दिशा मिल रही है कि हमारे भी धंधे में हमको कैसे करना है। नासिर भाई आपको सपोर्टफुल कर रहे हैं, हम ट्रेडर्स वाले सब नासिर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी एक अच्छा पहल मिलेगा और हमारे धंधे में भी हमको भी नयापन दिखेगा कि क्या करना है और कैसे चलना है। और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग नासिर भाई के साथ हैं? पूरी तरह हम नासिर भाई के साथ हैं और आज में पहले से साथ है। जिस दिन से नासिर भाई ने बिना उठाया उस दिन से हम नासिर भाई के साथ, उसके लिए तो हम हमारे दिल से हमें शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? और नासिर भाई जो कर रहे हैं वो सुपर काम कर रहे हैं, वो है तो ये पाबंदी नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था, और देने वाले तबाह हो जाते हैं अगर वो नहीं साथ नहीं देने तो पॉसिबल ही नहीं था। क्या लगता है इतने लोगों को जमा करना है, नासिर भाई ने जैसे लिया है इसके पहले बेकरी एसोसिएशन ने किया है, क्या इतने लोगों को जमा होते तो कोई कुछ काम नहीं हो रहा था। आज अलग 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 शुभ है जो परफेक्ट काम हो रहा है वो सबसे अच्छा है, पहले तो कोई फ्यूचर में हुआ ही नहीं था, आज ऐसा दिख रहा है कि वो परफेक्ट काम हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करेंगे, दुआ करके उनके बारे में वो परफेक्ट काम होगा। नहीं, बेकरी वालों को यही मैसेज देना है कि जैसे आज हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ दे रहे हैं, हम बेकरी वालों को भी इनका साथ देना है। उनका जो पेमेंट डिले होता है, पेमेंट नहीं दे पाते हैं किसी वजह से, धीरे धीरे जैसे भी इनके साथ रिलेशन बना रखा है उसको क्लियर करें और नई तरीके से पेमेंट पर वो नहीं करें, उनको परेशान नहीं करें। अब हम एक हो गए हैं, इनकी जो तकलीफ होगी वो हमारी तकलीफ है, हमारी जो तकलीफ होगी वो इनकी तकलीफ है, अब हम साथ जुड़ के काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कुछ बातें बेकरी वालों के लिए जो बताना है उसका मकसद ये है कि कुछ चीज़ें तो साफ सफाई पे बेकरी वालों को अच्छे से ध्यान देना है, जैसे कि हमारे यूपी में या लखनऊ में थोड़ा ऐसा कुछ बीच में ऐसा हुआ जो सफाई के उसमें फाइन लग रहा है, अभी गवर्नमेंट डे पर डे फाइन बढ़ाती चली जा रही है, तो उसको अपना हिफाजत करना हमारा ही काम है और हमारी अच्छाई के लिए गवर्नमेंट कर रही है। और जिन बेकरी वालों के पास लाइसेंस वगैरह वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट अभी जो है ऑनलाइन का बहुत फोकस कर रही है, तो उसमें के लिए लोग शुरू हो गए जो है ध्यान देना चाहिए, उनको फिर आने वाला फ्यूचर जो रहेगा इनके लिए नुकसानदेह रहेगा, तो उस पर भी ध्यान दे के हमको काम करना है। मैं जो है, मेरा नाम अरविंद मिश्रा है, मैं नारायण ट्रेडिंग कंपनी मानपुर से हूँ। नासिर भाई ने जो सोच लोगों की बदली है वो सोच पे काम ट्रेडर को भी करना चाहिए और बेकरी वालों को भी करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बेकरी वाले जो है सस्ता माल बना के बेच लेते हैं, नुकसान खा जाते हैं, महीने का पैसा नहीं दे पाते हैं, उसमें हम लोग तकलीफ कहाँ आती है, हम मिल वाले को पैसा नहीं दे पाते टाइम से, तो हम लोग को भी तकलीफ बढ़ जाता है, माल बंद हो जाता है, फिर इनको हम दे नहीं पाते पैसा, हमको रिफंड नहीं कर पाते हैं। जो आज नासिर भाई ने जो सबको बुला करके बेकरी और ट्रेडर का जो मीटिंग लिए ना, बहुत सराहनीय काम है। और ये नासिर भाई मैं बोलता हूँ कि जितने मुंबई के या पूरे महाराष्ट्र के मेडिकल लाइन जो भी ट्रेडर हैं, इनका खुले दिल से साथ देना चाहिए। आपके पीछे कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा बड़ा सर एक मिनट का। अतुल शर्मा है, सनराइज कंसल्टेंट से और नासिर इंसारी साहब को बहुत बधाई देता हूँ इस पैनल के लिए, और बहुत ही अच्छी तरह जिस तरीके से उन्होंने किया है और हम सब ने उनके साथ देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई और हम लोगों ने जिनको इनवाइट किया था हमारे जितने ट्रेडर्स थे वो सब लोगों ने मिल के हमारा सहयोग करने की बात की है, और हम बॉम्बे बेकर एसोसिएशन का सहयोग करेगी और वो हमारा सहयोग आज की मीटिंग के जी।
आज की मीटिंग हमारी बहुत सक्सेस हुई। हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि जो रॉ मटेरियल वाले हैं, मैदे वाले हैं, उनसे एक जॉइंट मीटिंग ली जाए, क्योंकि काफ़ी कभी ज़िंदगी में ये चीज़ हुई नहीं कि एक दूसरे के साथ में इतने लोग जुड़े हों। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो हम सुनेंगे, हमारी बेकरी वालों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं वो हम मैदे वालों से सॉल्व कराएंगे। तो दोनों मिल के जब काम करेंगे तो काम इंशाल्लाह अंजाम होगा। युवा नेता जो है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए आप? इनके बारे में बहुत कुछ उम्मीदें हैं, लोग जो है खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश है एकदम कि हमको ऐसा नेता मिला है जो आज तक नहीं मिला था। जितने भी प्रेसिडेंट बने वो सब खुशी तक ही रहे। और अभी जो काम हो रहा है, जो आज मैदे वालों की, बेकरी वालों की जो मीटिंग हुई है, ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है और बहुत कामयाब है। इनके लिए जो है हमारी दुआएं है कि अल्लाह इनसे काम ले और हम सब मिलजुल के इनका साथ दें। सर, आप क्या कहना चाहिए? मील का पत्थर साबित हो गया आज ये सभा। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, आज की जो सभा है इसमें जो मटेरियल बनाते हैं उनको बुलाया गया है, बेकरी वाले को बुलाया, क्या कहना चाहिए? जैसे कि यहाँ पे जितने लोग आए सबने तो देख लिया, आज की बेकरी वाले जो मैदे वालों से माल मंगाते थे उनका चेहरा भी नहीं देखा था, आज रूबरू मैदे वाले आपस में भी मिल गए और बेकरी वालों से मिले। ये जो लाइफ का हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है जो हम लोग ने मेहनत की है इसके लिए। और अगर नासिर भाई के बारे में जानना चाहे तो आप कोई भी बेकरी में जाके इनके बारे में जानना चाहे तो जान लेंगे कि अब तक इन्होंने जो काम किया वो इतने सालों में कभी हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे मैदे वाले और बेकरी वाले एक साथ आज एक मंच पे। आप सब क्या कहना चाहोगे आज की जो मीटिंग है? आज की जो मीटिंग के बारे में हम लोगों ने जो सोचे रखे थे काफी टाइम पहले और उसका जो सक्सेस था वो आज आप सब लोग इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मटका जमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट नासिर अंसारी साहब के इसमें जो टीम ने उनकी जो इस मीटिंग को अरेंज किए है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। एक मिनट, उधर उन लोग आ रहे हैं, उनका साथ में ले लो जी, बोल रहे ये बहुत ही वेलकम हो रहा है सब ट्रेडर्स की तरफ से, तो सोलह साइयों से थैंक यू आवाज किया है। ये एक छोटी सी भेंट जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत माइक दे दो। हेलो, कुछ कहना है? हां सर, क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर जी, आइए ना सर, आइए ना सर। अरे सर, सब एक दो लाइन में थोड़ा आप तो आइए सर। ये मैं सबसे पहली बात तो ये शुक्रगुजार बोलता हूं नासिर भाई का और पूरी टीम का कि उन्होंने आज सब ट्रेडर्स को यहाँ पे बुलाया है। और मैं इंशाल्लाह हम लोग सब कामयाब रहेंगे इसमें। और मुझे यकीन है कि लोग ने जो डिसीजन लिए ले ये बहुत सही डिसीजन है। देखो, बेकरी वाले की भी तरक्की होनी चाहिए और सभी बेकरी से जुड़े हुए हर एक इंडस्ट्री की भी तरक्की होनी चाहिए, तभी फायदा रहेगा, न तो सब घाटे में ही जाने वाले हैं। मंदिर में मैदे की बात की गई है। शुक्रिया। और आपको स्वागत, क्या कहना? बोले मुराद भाई, जी मैं सारे ट्रेडर्स का जो भी यहाँ पे आए इन्होंने हमारे लिए हमारा हौसला अफजाई किया, मैं सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने बहुत इज्जत से नवाजा और हमारे साथ दिया।